जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है और उसी बीच मोदी जी ने रोड शो किया वाराणसी में और अपना नामांकन दाखिल किया। आइए जानते हैं कि क्या है इस पर पब्लिक का रिएक्शन। बाबा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की फुल बहुमत की सरकार आएगी। तो अब की बार 400 पार जाएगा? हाँ, आपको लगता है? आ जाएगा और प्रचंड बहुमत से आएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, हजारों वर्ष में कोई पार्टी ने नहीं किया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने भारत को बिल्कुल बदल दिया है और विकास के नाम पर जो है उन्होंने नंबर एक पर किया है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी उनका रोड शो हुआ और आए हुए थे वो। हाँ, तो आपको ये काशी का सौभाग्य है और पूरे प्रदेश का सौभाग्य है, पूरे देश का सौभाग्य है। और ऐसे नेता जो है हमारे देश में सदैव बने रहें, ये हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जैसे नेता सदैव देश में बने रहें और मोदी की सरकार जो है सदैव प्रचंड बहुमत से आती रहे, ये हमारे शुभकामना। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंकल। तो इस बार लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो आप किसके साथ हैं? हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ जी। तो आप आपकी बार 400 पार जाएगा? एकदम जाएगा, कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई अगेंस्ट में खड़ा होने वाला कोई है ये नहीं है जो कि मोदी का मुकाबला कर। मतलब आप मोदी के काम से बहुत खुश हैं? बहुत खुश। मेरा तो देखिए बीजेपी से तो मेरा अपने समझिए कि हमारा लॉस है ये है, लेकिन हम बीजेपी का भक्त भी है। हम समझिए कि मेरा पूरा वोट घर का बीजेपी का ही जाता। तो लॉस कैसे है? आपने बोला लॉस है, लॉस कैसे? लॉस है, कुछ है पर्सनल, कुछ मैटर है जो कि हमारा बीजेपी से लॉस है। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आता, कुछ दूसरा सरकार आता तो मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन जो प्रॉफिट वो हमारा माने नहीं रखता है जो कि मोदी जी जो कर करके गए। कांग्रेस 65-70 साल में जो पूरे हिंदुस्तान के जनता के ऊपर में जो कालिक मढ़ी हुई थी 370-35 से, जो कि ये मोदी जी जो हटाए, जो कि हम लोग सपनों में नहीं सोच सकते थे कि ये हटेगा, जो कि ये मोदी जी कर करके गए, बहुत अच्छा। जैसे राम मंदिर का, राम मंदिर तो मान लीजिए कि बहुत बनाने वाले थे लेकिन कोई नहीं बनाए, लेकिन मोदी जी आकर के बनाए, ये तो एक्स्ट्रा है। लेकिन 370 हमारे नजर में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन 35 से मतलब इसी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे बनारस में, मोदी जी आएंगे ही आएंगे, आना ही चाहिए, आएंगे ही। अच्छा, इतने काम किए हैं तो काम तो रंग लाइबे करेगा मोदी जी का। 400 पार होना ही है, कोई विकल्प नहीं है पार। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते दादा। नमस्ते। तो आपका इस बार किसके तरफ रुझान है? आपका कौन सी सरकार की? बीजेपी। अच्छा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र से, जलगांव। अच्छा, तो आप बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं? बीजेपी ही सपोर्ट करते हैं। तो आपको बीजेपी का क्या अच्छा लगता है? अच्छा क्या, उनके काम अच्छा लगता है, मतलब काम सारा। कांग्रेस वाले ने अभी तक तो बोले 50-60 साल हो गए थे, क्या किया उन्होंने? पहले मजदूरी कितनी, क्या तनख्वाह था? महीने 5 रुपए तनख्वाह से, एक महीने से 5 रुपए से काम किया। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तो उनको कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं। नहीं नहीं, नहीं उल्टा अच्छा हो गया, सब अच्छा। राम मंदिर भी बनाया, राम मंदिर बनाया और 370 हटाया, सब सब काम किया ना, रोडवेज का काम हो गया, एयरपोर्ट के ही काम हो रहे, सब हो गया ना। आप खुश है? हाँ, बहुत खुश। मोदी सरकार के लिए बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा थी जोड़ी। चलिए, शुक्रिया आपका, ठीक है। तो अंकल, लोकसभा चुनाव आ रहा है, ठीक है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? शिवसेना। शिवसेना, तो बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, बीजेपी। बीजेपी, तो आप बीजेपी का किस कौन सा काम आपको ज्यादा अच्छा लगा? वो सब काम ठीक है। अच्छा, राम रोड का काम, रोड का, और उन्होंने राम मंदिर भी बनाया, राम मंदिर। अच्छा, तो अंकल आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलेंगे। बताइए आप किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को, मोदी को। हमारी तरफ कौन सा भी होगा कैंडिडेट, कौन सा भी होगा तो फिर भी मोदी का होगा, उनको ही देंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। अभी कल मोदी जी का नामांकन हुआ है? हाँ, हुआ है। आप लोग थे यहाँ पे? आप कहाँ से? नहीं, हम तो महाराष्ट्र जिला। अच्छा, आप लोग यहाँ घूमने आए? घूमने आए। अच्छा, तो फिर मोदी का काम देख के हम लोग कर रहे थे। अभी एक हम बताना न्यूज पर आना मांगता है,
अभी ये लोग करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और किसानों के लिए कुछ नहीं। हमारे किसान को 1,000 रुपए गिनने को आता नहीं और उन लोगों के पास 500 करोड़ मशीन खराब हो रहे हैं। गरम गरम होके मशीन चेंज कर रहे हैं। अच्छा। केरल में अभी भी। अच्छा। कांग्रेस वाले तो फिर किसानों के लिए कुछ अभी भी तो दिल्ली में किसानों ने हड़ताल किया था तो फिर किया था ना, फिर भी कुछ नहीं। उनको बीजेपी से क्या चाहिए था कि बोले, लेकिन बीजेपी ने बोला नहीं उस पे कुछ भी। नहीं कुछ नहीं ना, मैं वही बोल रहा है, फिर भी वो किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। खाली वो कौन सा पेमेंट मिल रहा है, 1,000 रुपए मिलता है 65 साल का ऊपर का उम्र का आदमी होगा उसको। किसानों के लिए कुछ नहीं, सब महंगा है। अभी देखो यूरिया माधन सब खत है ना, अभी उसमें 1,800 रुपए बैग मिलती, उसमें से 800 रुपए जीएसटी निकलता हमारा। अच्छा। तो फिर वो 1,000 रुपए का बैग रहता, वो 1,800 रुपए मिल रहे हमको। किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ करना मांगता है मोदी के लिए। कुछ मोदी को सब जानता है लोग, पर मोदी ने कुछ ना कुछ करना मांगता है। आप चाहते हैं कि मोदी जी किसानों के लिए भी कुछ करें? करेंगे, करता है ना कोई। जब खेत वाले को 6,000 रुपए 4 महीने का पेमेंट देता है वो, हम लोग को पेमेंट 1,500-1,600 जो क्या किसान को श्रावण बाल योजना वो भी पेमेंट मिलता है हम लोग को। अच्छा। और तो श्रावण बाल योजना लागू, ये 65 साल की उम्र के लोगों को मिलता है, वो बात सही है। फिर भी वो 1,500-1,000 रुपए में क्या होता है, किसानों के लिए कुछ नहीं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? उम्मीदों से तो ये लगता है कि मोदी जी की सरकार आएगी। सब लोग कहते हैं कि ईवीएम में कुछ घपलेबाजी हुई है, इससे क्या आपका? जो जीतते नहीं है वो ऐसे ही दूसरों पे आरोप लगाते हैं, वरना ईवीएम तो हमेशा से अच्छा है। अगर ना होता तो आप जानते हैं पहले वाली सरकार में भी ईवीएम खराब थी, अभी में भी होगी। क्या कहते हैं, ढकोसलेबाजी तो चलती रहती है। ये रही चुनाव को लेकर काशी के लोगों की विचारधारा।